Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do who said to whom exercise of poem The Joy of Travel. Let's start. This is given on page number 113, exercise A. Read these sentences and answer the questions that follow. Quotation from poem is given. You have to read those lines and then answer the questions. Now, first one. The culture is incredibly diverse. So many wonderful things to see. This is quotation from the poem. Now, based on these lines, question number A is, where can you find incredibly different diverse cultures? कहाँ पर आपको बिल्कुल ही अनोखे अविश्वसनीय रीति रिवाज मिल सकते हैं? Answer is, we can find incredibly different cultures when we travel to different countries. जब हम दूसरे देशों में यात्रा करेंगे, दूसरे देशों की सैर करेंगे, तभी हमको बिल्कुल ही अनोखे और अविश्वसनीय रीति रिवाज मिल सकते हैं या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, what wonderful things do you think the poet means here? आपको क्या लगता है कि वंडरफुल थिंग्स से कवि का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? वंडरफुल थिंग्स मीन्स अनोखी चीजें. आंसर इज, द पोएट मीन्स एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ड्रेस्ड डिफरेंटली. कवि का यहाँ पर तात्पर्य है बिल्कुल ही अलग तरीके के लोग जिनका पहनावा बिल्कुल अलग है. अ वैरायटी ऑफ कुजीन, जिनका खान पियन बिल्कुल अलग है. And cultures that are totally different from one's home country. और वहाँ के लोगों के रीति रिवाज किसी के भी अपने देश से बिल्कुल अलग हैं. Question number C. What aspect of the poet's personality is revealed through these lines? इन पंक्तियों के द्वारा कवि के व्यक्तित्व के कौन से पहलू को दिखाया गया है, उजागर किया गया है? Answer is, the poet's love for traveling is revealed through these lines. इन पंक्तियों में कवि के सैर के प्रति प्रेम के पहलू को व्यक्त किया गया है. Second quotation is, and the food can be quite challenging, different tastes and how they eat. But hey, I am ready to try it. Doesn't have to be potatoes and meat. Now, based on these lines, question A is, in what way can the food be challenging? Food किस तरीके से challenging हो सकता है? Answer is, food can be challenging when its manner of cooking, taste and the way they are eaten up is totally different from what you are habitual of. फूड चैलेंजिंग कैसे हो सकता है? उसको पकाने के तरीके से और उसका टेस्ट और साथ ही साथ किस तरीके से उसे खाया जाता है, और ये वो तरीका जो आपके अपने तरीके से बिल्कुल अलग हो, वो फूड चैलेंजिंग हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लाइन डजंट हैव टू बी पोटैटोज एंड मीट इम्प्लाई? वो लाइन जिसमें ये कहा गया है कि आलू और मांस होना जरूरी नहीं है, इसका क्या मतलब है? आंसर इज, द लाइन डजंट हैव टू बी पोटैटोज एंड द मीट इम्प्लाइज दैट वन नीड नॉट ऑलवेज गो फॉर द सेम काइंड ऑफ फूड लाइक पोटैटो एंड मीट. इस पंक्ति का ये मतलब है कि किसी को हमेशा एक तरह का खाना खाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमेशा ही आलू या फिर मांस खाना आवश्यक नहीं है. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द पोएट रिवील ऑफ हरसेल्फ बाय सेइंग दैट शी इज रेडी टू ट्राई इट? अपने बारे में वो क्या बताती है ये कहकर कि वो हर चीज को ट्राई करने के लिए तैयार है? आंसर इज, बाय सेइंग दैट शी इज रेडी टू ट्राई इट, द पोएट रिवील्स द एडवेंचरस साइड ऑफ हर पर्सनैलिटी दैट शी इज रेडी टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन्स. ये कहते हुए कि वो हर चीज ट्राई करने के लिए तैयार है, वो अपने व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं कि वो अलग अलग तरह के खाने को टेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार है. So students, that's all for today. We have done who said to whom question answers in this video. If you like the video, press on like,
share, comment, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye.